हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर आपका आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास। हमें इसकी जो है वो डेरिवेशन करनी है और इसकी डेफिनेशन ज़रा आप चेक कर लें, बाकी फिर चीज़ें मैं उधर समझाती हूँ आपको। वो कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ दैट इन विच रिएक्शन रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ अ सिंगल रिएक्टिंग स्पीशी। कहने का मकसद ये है सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा, उसकी आपके पास जो कोफिशेंट है या जो पावर है, ये जो स्टार्ट यहाँ पे पावर्स होती हैं ये सिर्फ वन होगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। कल मैंने आपसे उस दिन लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ा आपको बताऊँगी भी कि ये डी वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा मैथ का थोड़ा एलिमेंट आना है इसमें। ठीक है, उसको तो याद रखें कि कहा मैंने क्या है। अभी आपके पास रिएक्शन रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। ठीक हो गया, मींस कि हमारे पास ए जो है वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। ठीक है, अब जब हमारे पास ए जो है वो आपके पास इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है, सॉरी टाइम ज़ीरो है। टाइम ज़ीरो मतलब अभी टाइम हमने नहीं स्टार्ट किया, रिएक्शन हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, तो हमारे पास क्या होगा कि कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी, प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो। ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम गुजरेगा तो यकीनन आपके पास जो है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन जाएगी। उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, और जो हमारे पास ए था उसकी कंसंट्रेशन ओवरऑल ए है। ठीक है, स्मॉल ए में लिखा है। अब हमारे पास जो एक्स बना है वो यकीनन ज़ाहिर है ए से ही निकल के बना है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम उस ए की कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में चेंज हुई है वो जाहिर सी बात है ए की ओवरऑल कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, उसकी वो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। विल फर्ज हमारे पास ए किलो अगर आपके पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट है ए है, तो हमारे पास अब तकरीबन आधा किलो प्रोडक्ट बन चुके हैं, तो दैट मीन्स कि हमारा लाजमन वो उसी ए किलो में से ही बने हैं ना निकल के, तो मीन्स कि हमारा ए जो है आप पीछे टोटल रह गया, वो ए आपका टोटल अमाउंट जो उसकी थी उसमें से माइनस आप कर दें उस प्रोडक्ट की अमाउंट, मीन्स के किलो में से माइनस कर दें आधा किलो को, तो आपके पास पीछे एक आधा किलो रह जाएगा। क्लियर होगी बात। तो हम जो अब आपके पास टाइम टी जब कुछ गुजर गया तो आपके पास वो ए माइनस नेग एक्स आएगा। ए माइनस एक्स क्यों किया है कि ये वो कंसंट्रेशन रह गई है जो कि हमारे पास बाकी बची है इस ए की। ठीक है, और ये एक्स वो है जो आपका प्रोडक्ट है। कैसे, ए माइनस एक्स मीन्स के हमारी प्रोडक्ट बन चुकी है ये। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन हम इसमें से माइनस करेंगे टोटल ए में से, तो हमारे पास जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन बच रही है दैट इज़ योर ए। ठीक है, अब हमारे आगे जो है स्मॉल डी यूज़ होगा। डी क्या है होता है आपके पास, उसको हम डिफ्रेंसीशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये एक आपका आगे एक और साइन होगा एस की तरह का, इसको हम इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, एफ एस सी की मतलब सेकेंड ईयर की मैथ के है ये टॉपिक्स मैथ के। ठीक है, तो आप लोग नहीं उससे फेमिलियर तो इसलिए इतना आप ये अपने गुजारे के लिए आप इतना याद रख लें। ठीक है, अच्छा, अब डी हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्मॉल चेंजेस। स्मॉल चेंजेस को मतलब कि जब हमने छोटे छोटे वक्फे से हमने तब्दीलियां काउंट करनी होती हैं, मैयर करनी होती हैं, तो हम डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। और अगर हमने एक बड़े वक्फे का बड़े चेंज को देखना होता है, तो हम समअप करना होता है किसी चीज़ को, तो हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, मिसाल के तौर पर फिज़िक्स में आपने सेकेंड ईयर तक पढ़ा होगा कि हमारे पास डिस्टेंस आता होता था, जिसको हम कहते थे कि जी एस ओवर टी इज़ इक्वल्स टू योर डिस्टेंस। ठीक है, फासला सॉरी वेलोसिटी आती होती थी, कि वेलोसिटी क्या है आपके पास किसी भी डिस्प्लेसमेंट की चेंजेस जो हो रही हों। ठीक है, तो डिस्टेंस हम काउंट करते थे टाइम के साथ। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमने छोटे छोटे वक्फे से कुछ सेकेंड्स में हमने चेंज करना है कि हाँ जी यहाँ से यहाँ कितनी वेलोसिटी आई है उसकी, यहाँ से यहाँ कितनी हो गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट में कितनी वेलोसिटी हो गई, तो हम वहाँ पर भी डी अप्लाई किया करते थे। तो डिफरेंशिएशन इज़ योर स्मॉल चेंजेस। इंटीग्रेशन मतलब कुछ खास बड़े वक्फे के लिए हमने चेक करना है कि हाँ जी इस वक्फे के दौरान में आपकी वेलोसिटी क्या आई है, उसको हम कह दें कि ये हम इंटीग्रेशन अप्लाई करके चेक करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास उसकी इक्वेशन चल रही है। इक्वेशन कैसे चल रही है, अब हमने चेक करना है कि आया हमारे पास ये जो टाइम गुजरा है इसमें हमारे पास क्या तब्दीलियाँ आई हैं, कितना ए कम हुआ है और कितनी प्रोडक्ट्स बनी हैं आपके पास। ठीक है, ए कम हुआ है तो मींस हमने नेगेटिव से स्टार्ट करना है, कम डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स मतलब कि प्रोडक्ट इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो हमने इसकी चेंजेस जो चेक करनी है वो डी एक्स ओवर डी टी, टाइम टी है ये आपका। ठीक है, और ये आपके पास इक्वल्स टू आता है आपके पास के ए माइनस एक्स के। ठीक है, k
के ए माइनस एक्स, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए के, जितनी ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है या पीछे रह गई है उतनी ही आपके पास प्रोडक्ट बनेगी। अब जितना ये पीछे बच रहेगा, ये रिएक्शन, ये जो आपका मिक्सचर पीछे बच रहा है, जितना ये पड़ा होगा उतना ही एक्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे, उतना ही एक्स बन रहा होगा, ठीक है। ए नहीं होगा, ए ख़त्म हो जाएगा तो एक्स तो नहीं ना बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर होगी बात। के कहाँ से आया, कांस्टेंट है आपके पास, रेट कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के आया है, ठीक है। अब हम इसको थोड़े से चेंजेस करते हैं, हम ये ए माइनस एक्स को उठा के इधर ले जाते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे ये हो गया, आप हो गया, इसको क्यों किया हमने, हम ये जो एक्स एक्स है इसको हमने एक्स एक्स को हमने एक जगह पे इकट्ठा करना था। अब हम ज़रा इंटीग्रेशन करते हैं कि ओवरऑल हमारा एंडिंग पे या एंड प्रोडक्ट हमारी क्या बनी है, कितनी हमें प्रोडक्ट्स मिल गई हैं, कितना हमारा हिसाब हो गया, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की। इंटीग्रेशन हमेशा चेंजेस क्योंकि हमने चेक करनी है, तो कभी भी हम कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन नहीं लगाते, ठीक है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, चाहे टी ज़ीरो है आपका, टाइम ज़ीरो अभी है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, चाहे टाइम आपके पास काफ़ी ख़त्म होने वाला है, तब भी के इज़ कांस्टेंट, रिमेंस कांस्टेंट, ये के कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ चेंजेस पे आपने करना है, इस पर हमने लगा ली, इस पर लगा ली। अब इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स का, वो आपके पास आएगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स। डी एक्स इज इक्वल्स टू वन होता है, ठीक है, याद रखें डी एक्स बराबर हमेशा वन के आता है। तो इसको जब हम बटे से ऊपर लेके जाएंगे और इंटीग्रेशन ख़त्म करेंगे, तो बटे से ऊपर ले जाने की वजह से ये आपका वन ओवर दिस था, तो ये माइनस आ गया इसकी वजह से, ठीक है। और एल एन आपका इंटीग्रेशन ख़त्म करने के लिए आएगा। यहाँ पे क्योंकि बटा शटा कुछ नहीं आया, तो हमारे पास सिंपल वे इंटीग्रेशन है, तो ये आपके पास डी टी की आपके पास इंटीग्रेशन टी आएगी, लेकिन साथ में हमें यहाँ पे प्लस सी लगाना पड़ेगा। व्हाट इज सी, सी इज़ योर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। जब आपने इसको सॉल्व किया डी टी को, तब आपका सी आया है। इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है जी, सी की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, बड़े आसान से तरीके से कर सकते हैं। वो कहते हैं जी आप यूँ करें कि आप रखें जी हमारे पास कि टाइम जब ज़ीरो था और हमारा एक्स भी ज़ीरो था, मतलब अभी टाइम हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, टाइम ज़ीरो है और हमारा एक्स भी ज़ीरो है, मीन्स प्रोडक्ट भी हमारे नहीं बने हैं हमारे, ठीक है। तो हम इसकी ये जो इक्वेशन है इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले मैंने वैल्यूज़ की हैं, एक्स की जगह ज़ीरो पुट किया, ठीक है, टी की जगह भी ज़ीरो पुट किया, प्लस माइनस हुए सारे आपस में मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। तो हमारे पास पीछे बच गया माइनस एल एन ए प्लस सी, ये ज़ीरो हो गया ना, और ये माइनस उसमें से आके ए आ गया। क्लियर होगी बात। ये इक्वेशन, ये वो जो सी इज इक्वल्स टू दिस है, इसको आप इसकी जगह यहाँ पे पुट कर दें, ये मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। बाकी सारा वही है, सिर्फ इसको सी की वैल्यू पुट किया है, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये प्लस माइनस माइनस होके यहाँ पे ये आ गया आपका, सही है। अब यूँ करें इसको जरा थोड़ा सा रीअरेंज करना है, हमें असल में क्या चाहिए, हमें इस के की वैल्यू चाहिए, रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, ताकि हम पता कर सकें हमारा रिएक्शन किस तरह चल रहा है। तो ये माइनस है, इधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये इस तरह आ गया, ठीक है। अब एल एन दोनों ही हैं, इसको कॉमन निकाल लें, ठीक है। कॉमन निकालेंगे तो साथ में क्या हो जाएगा आपका, ये जो ए माइनस एक्स है ये आपके पास बटे में आ जाएगा। याद रखें लॉग में क्या होता है कि जो माइनस होता है चीज़ें आपस में वो डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो आपस में ऐड या प्लस हो जाती हैं, ठीक है। अभी आपके पास आएगा तो आप चले फिर साथ साथ चलते रहेंगे। तो ये रूल है लॉग के, मैट्रिक तक पड़े होंगे, तो माइनस की जो ये आपके पास वैल्यू है ये आपकी बटे में आ जाएगी। एल एन कॉन्स्टेंट ले लिया हमने, लॉग ए माइनस एक्स हो गया, ठीक है। बाकी के टी, के की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा याद रखें, मैं यही कहती हूँ, इसकी वैल्यू निकालनी होती है आपने उसको एक साइड पे करना होता है हर सूरत, तो बाकी सारी चीज़ें परे फेंक दें, ठीक है। फेंकने का मतलब ये है कि इस टी को हम इधर उठा के ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, उलट चलना है, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है मैथ के रूल के हिसाब से, बराबर की दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। तो के इज़ इक्वल दिस एंड दिस इज़ दिस, क्लियर, ठीक है। अब ln है, ln इज योर नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग को सिंपल log वाले में चेंज करना है, तो वो इक्वल्स होता है 2.303 log के, ठीक है। तो सिंपल अब यही करें आप, इसको मल्टीप्लाई इसकी जगह ये प्लेस करें, तो ये आपके पास 2.303 आ गया log एंड दिस, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, ठीक हो गया। ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, जीरो ऑर्डर भी आपने निकाला था।
अच्छा, अब हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक क्या निकाली हैं आपने, आपकी आप इस इक्वेशन 13 की वजह से आप अपना के जो है रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। साथ में आपने क्या निकालना है, यूनिट ऑफ के आप निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। के यूनिट निकालने के लिए आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा जी, क्या क्या लगाना पड़ रहा है। ये ए है, ये भी ए की कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, ठीक है। क्योंकि ये एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है ना आपके पास, ठीक है। तो आपको इसको ओवरऑल ही पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट में है, ओवरऑल ही कंसंट्रेशन है, अलग अलग इसकी नहीं डलेगी क्योंकि माइनस हो रही है, तो ये एक ही चीज़ है, एक कंसंट्रेशन है ये आपकी, ठीक है। तो आपने क्या डाला, आपके पास यहाँ पे टाइम भी है, इसकी सेकंड में आएगी, ठीक है, टाइम की सेकंड में आएगी। तो बटे में है टाइम, सेकंड ऊपर लेके जाएंगे तो सेकंड पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी भी कंसंट्रेशन की मोल पर डीएम क्यूब बनती है, और इसकी कंसंट्रेशन की भी मोल पर डीएम क्यूब, ये आपकी कंसंट्रेशन मिकदार का यूनिट होता है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। मोल आपके मोल्स की वजह से, और डीएम क्यूब आपका वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो अब ये मोल पर डीएम क्यूब, ये मोल पर डीएम क्यूब खत्म हो गया एक दूसरे से, खाली बच गया पर सेकेंड। तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट जो है दैट इज़ पर सेकेंड, याद रखें हमेशा, ठीक है। फिर आपने जो मालूम करना होता है उसकी हाफ लाइफ भी लाजमी हमने मालूम करनी होती है। हाफ़ लाइफ क्या चीज़ होती है आपके पास, हाफ लाइफ आपके पास होता है एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आपके पास आधे रिएक्टेंट, वन हाफ, हाफ आधे 50% रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं। वो किस में कंज्यूम का मतलब है, वो तब्दील हो जाते हैं, वो खर्च हो जाते हैं, और किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में, ठीक हो गया। तो हमारे पास कैसे करेंगे इसको, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने जो टी है उसकी जगह आपने 0.5 लगा देना, 0.5 मतलब 1/2 आपका हाफ करना है ना, तो इसको सिंपल सॉल्व करें तो 0.5 बनता है, हाफ लाइफ निकालनी है। और एक्स जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो भी आपने 0.5 a से चेंज कर देना, 0.5 a मतलब कि प्रोडक्ट कब बनेगी, जब आपके आधे रिएक्टेंट जो है वो a जो है वो कंज्यूम हो जाएंगे, और पीछे प्रोडक्ट जितनी बन रही है मींस कि आधे आपके एस मौजूद हैं, आधे रिएक्टेंट मौजूद हैं, ठीक है। अब आपने जो सिंपल ये करना है कि अब ऊपर वाली जो रिएक्शन है ना, ये इसको टी को इधर भेज दें क्योंकि हमने हाफ लाइफ मालूम करनी है, और के को इधर ले आए, ठीक हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब बाकी चीज़ें हमने क्या करनी है, ए ए ही रहेगा, और एक्स की जगह सिर्फ हम ये पुट करेंगे 0.5 a, ठीक है, 0.5 a। अब आपने क्या करना है, अब ये आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसको आगे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, दैट इज़ योर ये 0.5 a, ये 1 होता है क्योंकि ज़ाहिर है कोई चीज़ नहीं मौजूद इसके आगे, दैट मीन्स 1 है, ठीक है। और ये आ गया आपके पास a ओवर 1, एक a में से आप 0.a निकालेंगे तो आपका 0.a बच जाएगा, ऐसे ही है ना, ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक है। अब इसको आपने काटना है, काटना मीन्स डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगी, एक आप 1 a को डिवाइड करेंगे, 1 को ओवर 0.5 से कर लें, या वो सिंपल जो बचपन वाले तरीके थे इसका, हमारे पास सॉरी ये हमारे पास है यहाँ पे 0.5, इसका हमारे पास बटा करके ऊपर ले जाएं आप 0 और 10, ठीक है, इशारिया इसका ख़त्म हो जाएगा, पीछे रहेगा 5, ये यहाँ से 5 से 10 कट जाएगा, ये 2 रह गया, ए ए से कट जाएगा, दैट मीन्स 2, समझ आई बात की, ए ए से कट गया। 0.5 को मैंने ख़त्म करने के लिए बटा 10 आना था ना, बटा 10 मतलब ऊपर जा कर ले जाएं, बटे में ऊपर लिख दें उस 0.5 पॉइंट को ख़त्म करने के लिए मैंने किया असल में ये, ठीक है। जो पॉइंट ख़त्म हो गया तो पीछे 5 रह गया, 5 से 10 कटें तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 2, log 2 की वैल्यू निकाल लें कैलकुलेटर से, तो आपको कोई ना कोई आंसर आएगा, वो कोई आंसर वो जो कहता है वो आपका ओवरऑल होके आपका 0.693 k आता है। दैट मीन्स आपकी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज 0.693 ओवर k, ठीक हो गया, क्लियर होगी बात, ठीक है। और इसको हम जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं, आपके पास मतलब कि थोड़ा सा इंटरचेंज करके भी लिखी जा सकती है, ठीक है। इसको फिर मैं आपको साथ साथ में लिखवाती रहूँगी, इसको हम ये भी बना सकते हैं, यहाँ तक आपने फिलहाल कर देना है, आगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी, ठीक हो गया।